मैं और दीप्शी अभी भी कॉलेज के गेट पे खड़े बातें ही कर रहे थे, और मैं तो वेट कर रहा था कि मैंने तो बोल दिया पर उसकी जुबान से आई लाइक यू टू जैसे शब्द कब निकलेंगे। और बात करते करते वो बहुत आगे निकल गई, प्रपोजल वाला पार्ट तो पीछे ही रह गया। मैं कोशिश करता कि उसे याद आए हमारी क्या बात चल रही थी, और तभी उसके फोन पे नमन का कॉल आ गया। कल नमन चंडीगढ़ वापस जा रहा है तो इसलिए अभी दीप्शी को मिलने के लिए बुला रहा है। तो दीप्शी को मैं उसके पास छोड़ते हुए घर चला गया, और सोच रहा था मैंने कन्फेस तो किया पर जवाब मिल ही नहीं पाया। बाद में भी दीप्शी से बात हुई तो उस दिन के बारे में बात हो ही नहीं पाती थी। उसने मुझे दोस्ती कंसिडर किया है, बात हो नहीं पा रही थी या इस बारे में वो बात करना नहीं चाहती थी। फिर कुछ दिन बाद प्लेसमेंट के लिए कंपनी जाने लगी तो जिंदगी करियर वाइज अभी थोड़ी बिजी जाने लगी। तैयारी करते पढ़ते सबका वक्त निकल रहा था, जिस चीज के लिए मार्क्स अटेंडेंस का ध्यान रखते थे वो पल सामने आ ही चुका था। पर इसी बीच दर्पण और प्रज्ञा के झगड़े भी हो रहे थे, बात इतनी बढ़ गई कि ब्रेकअप तक आ पहुंची। दीप्शी और मैं भी हैरान थे ये सोचकर कि ये दोनों तो इतने प्यार से रहते थे, फिर इनके बीच कैसे बात बिगड़ गई। वो दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे और कोई समझने को तैयार ही नहीं था। मैं और दीप्शी भी थक चुके थे। दर्पण कहता था मुझे उसके साथ नहीं बैठना, प्रज्ञा कहती थी मुझे उसके साथ नहीं बैठना, और हम दोनों को कुछ नहीं बस अपना ग्रुप साथ में चाहिए था। जब दर्पण हमारे साथ होता तो प्रज्ञा कहीं और होती थी, और हम प्रज्ञा के साथ होते तो दर्पण कहीं और। एक दिन मैं और दीप्शी ऐसे ही लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, कुछ देर बाद एग्जाम होने वाला था तो थोड़ी बहुत रिविजन कर रहे थे, पर पढ़ते क्या। प्रज्ञा और दर्पण की ही बातें हो रही थी हमारे बीच। हम मसूरी की ट्रिप भी याद कर रहे थे और सोच रहे थे कितना सब कुछ हो गया ना कुछ महीनों में। याद है मैं प्रज्ञा को लाइक करता था और तू दर्पण के लिए पागल थी, पर अब लगता है वही दोनों बने एक दूसरे के लिए। दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, पर पता नहीं अभी क्या हो गया इन दोनों को। दीप्शी ने कहा हाँ यही होता है जब आपस में ही प्यार हो जाता है दोस्तों को। याद है तूने कहा था कि प्रज्ञा से तू इसलिए इजहार नहीं कर रहा कि कहीं दोस्ती पे असर ना पड़ जाए। मैंने भी दर्पण को कुछ नहीं कहा था तभी, डर तो रहता ही है ना कि रिलेशनशिप के बाद ये दोस्ती ना खत्म हो जाए। रिलेशनशिप्स में ही ब्रेकअप होते हैं, दोस्तों आपस में सब संभाल ही लेते हैं। तू यही सोच रहा होगा ना कि उस दिन जब तूने मुझे प्रपोज किया था तो मैंने उसका कोई जवाब क्यों नहीं दिया। यही रीजन है, रिलेशनशिप के बाद सब बदल जाता है और मैं ये दोस्ती नहीं खो सकती। दर्पण और प्रज्ञा को ही देख लो, मुझे लगता है कपल हो जाने के बाद वो पुरानी दोस्ती कभी बची नहीं सकती। तो फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में आना इज अ बैड आइडिया, तुझे हर्ट नहीं करना चाहती पर यही सही है। चलो एग्जाम का टाइम हो रहा है, चलते हैं, सब पहुंच चुके हैं लैब, बस हम ही नहीं है। मैं दीप्शी की बातों को ध्यान से सोच रहा था, उसने जवाब क्यों नहीं दिया था उसका आज जवाब मिल गया था। उसका डर भी एक तरह से जायज है, बदलाव किसी को अच्छा नहीं लगता, और रिलेशनशिप में आने के बाद दोस्ती क्यों भूलनी है। मैं दर्पण और प्रज्ञा को ऐसे नहीं देख सकता। मैंने दर्पण से बात की सिर्फ प्रज्ञा के बारे में, उसे एहसास दिलाया उन दोनों के रिश्ते के बारे में, समझाया मैंने कि वो कितने बेस्ट लगते हैं साथ में, और तुम दोनों पहले दोस्त हो, कपल बाद में। प्रज्ञा से भी मैंने कहा गुस्सा छोड़ देने को, ईगो रिश्ते से बड़ा नहीं होता, एक बार बात करके देखो। दर्पण चीट नहीं कर रहा तुझ पे, वो महज गलत फहमी थी, सब सॉर्ट हो जाएगा, तुम दोनों बात तो करो, कब से तुमने बात ही नहीं करी। फिर दर्पण और प्रज्ञा फाइनली एक दूसरे से बात करने के लिए माने। दीप्शी और मैं भी खड़े थे उनके सामने, और एक घंटे के मानने मनाने के बाद दोनों ने एक दूसरे को सॉरी कहा। दोनों की आंखों में सच में प्यार दिख रहा था एक दूसरे के लिए, सीन भी थोड़ा इमोशनल बन गया। मैंने दीप्शी की तरफ देखा तो उसकी आंखों में भी पानी था, पता नहीं वो क्या सोच रही थी, पर उन दोनों की प्यार भरी बातें सुनकर तो मुझे भी रोना आ रहा था। मैंने धीरे से दीप्शी को कहा रिलेशनशिप में आने के बाद दोस्ती मरती नहीं है, ये दोस्ती ही होती है जो रिश्ते को बचा के रखती है। मोनिका और चैंडलर, रॉस एंड रेचल, हाँ भले ही कितने ही कॉम्प्लिकेशंस थे पर एंड में तो साथ ही थे ना। हमारे प्रज्ञा और दर्पण की भी दोस्ती खराब नहीं हुई, और झगड़े तो दोस्तों में भी होते ही है ना। तभी दर्पण ने चिल्ला के कहा आज मेरी तरफ से पार्टी, चलो कैंटीन चलते हैं। हम जाने लगे पर अब दीप्शी कुछ शांत सी हो गई, मेरी बातें उस पर शायद कुछ गहरा असर कर गई। मैंने भी उसे समझा दिया था कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ऐसे भी बिल्कुल सही हैं, वैसे भी एक आई लव यू बोलने से क्या फर्क पड़ जाएगा, हम तब भी ऐसे ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। फिर हम चारों ने पूरे एक हफ्ते बाद साथ में बैठ के कुछ खाया। मुझे समझ नहीं आता कि लोग गलत फहमी को बढ़ने क्यों देते हैं, बात कर लिया करो, सब ठीक हो जाएगा। और प्लेसमेंट की लड़ाई अब तक चली रही थी, दो कंपनीज के लिए बैठे थे हम पर किसी का क्लियर नहीं हुआ। 2 महीने और निकले और 7th सेम भी अब एंड होने वाला था,
अब एक ही अच्छी कंपनी बची थी जिसका कुछ दिनों में एग्जाम होने वाला था। मुझे किसी भी हाल में प्लेस होना था। मुझे क्या, सबका यही सपना था। घर में भी सब उम्मीद कर रहे थे कि इसमें तो हो ही जाना चाहिए। मैं तैयारी भी खूब कर रहा था कि अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दीप्शी एक कंपनी का ऑफर लेटर पहले ही रख चुकी थी, पर जो अभी कंपनी आने वाली थी ना, उस पे सबकी नजर थी। हम चारों साथ में पढ़ते थे। इस बार तो दर्पण ने भी पूरी जान लगा दी थी। एक आखिरी मौका था, क्योंकि इसके बाद जो कंपनीज आएंगी वो इस लेवल की नहीं होगी, और हमें तो यही चाहिए था। प्रज्ञा, दर्पण और मैं प्लेस्ड नहीं थे। दीप्शी के पास ऑफर था, पर वो एग्जाम देने वाली थी। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि इस बार तो मम्मी पापा को बोलना है, मैंने कर दिखाया। मम्मी भी मेरे लिए काफी टेंशन लिए जा रही थी। फाइनली आज रिटन एग्जाम था और हम चारों ने क्लियर भी कर लिया। अब कल टेक्निकल और एचआर राउंड के लिए तैयार होना था। बहुत उम्मीदों के साथ, दिल पे हाथ रख के, हम सब ने बेस्ट दिया अपना इंटरव्यू में। अब एक हफ्ता लगेगा ये जानने में कि ऑफर लेटर आएगा भी कि नहीं अपने हाथ में। अपना कॉलेज भी अब ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था, पर देखो ना, लगता है अभी तो ये सब शुरू हुआ था। फिर से वो फर्स्ट ईयर की जिंदगी जीने का मन होने लगा। यार, हर बात को याद बनना जरूरी होता है क्या? मुझे तो अभी से डर लगने लगा था कि हम चारों भी सेपरेट हो जाएंगे। आदत हो गई यार साथ रहने की। आगे क्या ऐसे रोज मिल भी पाएंगे? दीप्शी भी बड़े दिनों से लग रहा था कि मुझसे कुछ कहना चाह रही है, पर सामने कुछ बोलती नहीं थी वो। पता नहीं क्या छुपा रही है। एक हफ्ता हो गया और शाम को रिजल्ट आने वाला था। कौन प्लेस हुआ कौन नहीं, ये पता चलने वाला था। करियर की परेशानी अलग थी, पर आज स्क्रिबल डे भी तो मनाना था। एक दूसरे की शर्ट पे कुछ बातें लिख दो, यादें बनाने का एक अच्छा बहाना था। सबकी शर्ट ब्लू, ब्लैक, रेड कलर्स में डूब चुकी थी। फोटोज खींच रहे थे, गले मिल रहे थे। कॉलेज लाइफ खत्म हो रही थी। 8 सेम में ये क्लासेस थोड़ी ना अटेंड करनी होगी, घर से ही प्रोजेक्ट पे काम करो। तो ये जो वक्त था वो एक पल में जिंदगी जीने वाला वक्त था। जो मन में आए वो करो। दर्पण ने मेरी शर्ट के आगे एक गाली लिख दी, जिसको मुझे अब हाथ से छुपाते हुए चलना पड़ रहा था। प्रज्ञा ने मेरी स्लीव्स पे कहानी लिखी और दीप्शी ने मेरी बैक पे कब्जा कर रखा था। सब कुछ ना कुछ लिख रहे थे एक दूसरे की शर्ट्स पे। आगे इसी को देखेंगे तो इसमें पूरा कॉलेज दिखेगा एक नजर से। कुछ तो टीचर्स भी अपने ख्याल लिख कर गए। बहुत अच्छा सा लग रहा था सबको खुश देखते हुए। पर आज रिजल्ट में क्या आएगा, कहीं ना कहीं दिमाग में ये चल रहा था। छुट्टी भी हो गई और सब घर चले गए। दीप्शी ने आज बहुत अलग तरीके से मुझे बाय कहा। मैं घर पहुंचा, सोचा मेल चेक कर लेता हूँ। मेल पर ही लिस्ट आनी थी। दिल धड़क रहा था, काश किस्मत इसमें तो साथ दे दे। ये लड़ाई किसी हाल में नहीं हारनी थी। पर उससे पहले मैंने कपड़े चेंज किए, ये रंग बिरंगी शर्ट निकाली, फिर एक एक करके सबकी बातें पढ़ के हंसने लगा। पीछे की साइड देखा, कॉलर के नीचे दीप्शी की राइटिंग। एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, उसने सच में उधर आई लव यू टू लिखा हुआ था। मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर समझ आया, अच्छा तो यही वो इतने दिनों से कहना चाह रही थी। और आज बाय करते वक्त उसके मुस्काने के तरीके में इसी के कारण अलग चमक आ रही थी। मैंने खुश होकर फोन उठाया और दीप्शी को कॉल लगा दिया। मैंने कहा हेलो, उसने धीमी सी आवाज में कहा हेलो। हाँ, मैंने शर्ट की बैक साइड पे कुछ पढ़ा तो फाइनली उसने बोला हाँ भाष, पर सुनना, तूने लिस्ट चेक करी? हम तीनों का नाम है लिस्ट में, बस तेरा नाम नहीं है। मैं एकदम ही चुप हो गया, पर मेरे तो दोनों राउंड्स अच्छे हुए थे, तो नाम कैसे नहीं है? इसमें भी प्लेस नहीं हो पाया मैं। अच्छा चल, मैं तुझसे बाद में बात करता हूं। मैंने मेल चेक किया, अपना नाम ढूंढने की पूरी कोशिश की, पर मैं हर बार हार जाता हूं। मुझे खुश कभी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद दुख आना लाजमी हो जाता है। ये दिन अच्छा गुजर रहा था, पर यह वक्त हमेशा रात ले ही आता है। क्यों लाता है? हाय गाइस, सो दिस वाज द फाइनल पार्ट ऑफ कन्फेस करना मुश्किल था ऑडियो सीरीज। होप यू एंजॉयड इट। Please share this with your friends as well, and you can listen my stories on Spotify also. Link description mein hai. Go check it out.